हेलो नमस्ते सभी अड्डा 24/7 के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, मैं अमित भड़ाना और मैं आ रहा हूँ 6 अक्टूबर को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली सुबह 11 बजे। मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर उपस्थित रहें और मेरी आने वाली वेब सीरीज SSC का ट्रेलर लॉन्च एक्सक्लूसिव देखें। वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा, मेरी टीम वहाँ पर मिलेगी और हम सब मिलकर उठाएंगे ट्रेलर का लुत्फ। धन्यवाद। हेलो नमस्ते सभी अड्डा 24/7 के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, मैं अमित भड़ाना और मैं आ रहा हूँ 6 अक्टूबर को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली सुबह 11 बजे। मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर उपस्थित रहें और मेरी आने वाली वेब सीरीज SSC का ट्रेलर लॉन्च एक्सक्लूसिव देखें। वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा, मेरी टीम वहाँ पर मिलेगी और हम सब मिलकर उठाएंगे ट्रेलर का लुत्फ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज का द 10 मिनट शो ऐसे मुद्दे पे है जिसे हम कहेंगे पंचवर्षीय योजना। और आज तक SSC रेलवे GDMTS का इतिहास है कि द 10 मिनट शो से क्वेश्चन आ रहा है पिछले 1-2 सालों से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे टॉपिक ही होते हैं कुछ ऐसे जिनको मैं बहुत सोच समझ कर लाता हूँ। तो सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग का एक प्रयत्न होगा कि हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। आप कोशिश करिएगा हर क्वेश्चन का आंसर देने की। अगर आपसे आंसर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी PDF अपने पास रखेगा। PDF के लिए आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो लिंक दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी रहती है, आशुतोष त्रिपाठी नाम से, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मैं पेन नहीं चलाऊंगा चूंकि PPT चेंजर नहीं है, इसलिए आप आंसर वहां पर देखेंगे। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना आपके हैरल्ड डोमार मॉडल पे, ठीक है ना, हैरल्ड डोमार मॉडल पे आधारित थी, सी ऑप्शन। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आज के सेशन से एक नंबर कंफर्म है, सर पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए थी, ए ऑप्शन, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना था पहली पंचवर्षीय योजना के ही दौरान, 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बन गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सर जाहिर सी बात है कि पहली के बाद दूसरी 56 से लेकर के 61 में चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अभी लग रहा होगा आसान है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब अन्य योजनाओं में जाओगे तो लगेगा अरे बाप रे बाप अब टफ हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना सर PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि पहली हैरल्ड डोमर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्योग क्या था। सर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्योग था भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट और ये सब बैठाए गए भारत में, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपको एक नंबर दिलवाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। अब से जो शुरू होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। सर तीसरी पंचवर्षीय योजना का कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स कर दिया। पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति सर आपके सी ऑप्शन, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक जो आपके MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ, तो तीसरी वाली का डेट और सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। सबसे असफल किसको माना जाता है। सर सबसे असफल तीसरी को, क्योंकि सर सूखा पड़ गया था और उसी सूखे को देख करके MS स्वामीनाथन जी ने शुरू किया था हरित क्रांति, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था और पंजाब राज्य को। पहला योजना अवकाश कब हुआ था। पहला योजना अवकाश, सर पहला योजना अवकाश है 1966 से 1969 तक, 3 वर्ष का। अगला, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। सर वार्षिक योजना चलाई गई थी 3, इसे रोलिंग प्लान के रूप में एक एक साल की छोटी छोटी योजनाओं को क्रियान्वय किया गया था। अगला पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो सर चूंकि तीसरी के बाद गैप आ गया था, तो गैप के बाद जो चला था वो 69 से 74 चला था।
सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, अब 66 से लेके 69 तक, 66 से 69 तक गैप था, तो फिर 5 वर्ष की यहीं पे चलेगी ना। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, मतलब खूब कृषि को फायदा हुआ? सर वो चौथी थी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति लागू करवा दिया गया था एमएस स्वामीनाथन जी के माध्यम से, जब तीसरी में आपकी क्या हो गई थी, सूखा पड़ गया था, तो चौथी में ही कृषि एकदम बूम पकड़ ली थी। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सर ये 69 के पास की बात है, इंदिरा गांधी जी थी और वो पंचवर्षीय योजना थी चौथी। क्यों? क्योंकि 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ? सर एक्चुअली तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ा था, तो फिर उससे भारत सरकार ने सीखा कि यार सूखा पड़ रहा है, तो फिर भारत सरकार ने चौथी में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत कर दिया। अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर हम लोग चंद्रयान 3 के समय रटे थे, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सर जब चौथी खत्म हुई 69 से 74, तो जो अगली शुरू होगी वो 74 से ही जाएगी, और सर बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही है। देखो लिंक करके अगर पढ़ रहे हो तो कितना तेजी से वो बात समझ में आ रही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर पांचवी पंचवर्षीय योजना, चूंकि तीसरी में खूब सूखा पड़ गया था, चौथी में हम लोगों ने हरित क्रांति वगैरह ला करके सुधारा, तो हम गरीबी उन्मूलन की तरफ गए कि यार गरीबी हटाना, ये सूखा पड़ के पूरा देश बर्बाद हुआ। पांचवी किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना, कई जगह चौथी लिखा हुआ मिलता है बट ये सही से पांचवी में ही इंप्लीमेंट हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल चली थी? तो सर केवल 4 साल आपके पांचवी ही चली थी, 74 से 78, ठीक है ना। उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार थी, उसने अपने हिसाब से चलाया था चीजों को जैसे उनको अच्छा लगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अब देखो क्वेश्चन, ठीक है ना, अब इसका राइट आंसर होगा बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। चूंकि ये द 10 मिनट शो है, इसमें मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ाता हूं कि आपके एग्जाम टाइम पे ये वीडियो आपको दोहराने के काम आए, इसलिए प्लीज तेजी के लिए माफ करिएगा। दूसरा, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? दूसरा, पहली तो 69 से 66 से 69 थी, दूसरी बार 78 से 80, क्योंकि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 4 ही साल चली, 74 से 78, फिर जो आ गई थी नई पार्टी जनता पार्टी, उसने 2 साल का ये गैप हो गया था, अवधि थी। अगला, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर 78 से 80 तो गैप ही था, अब वो जस्ट पांचवी के बाद थी, तो ये तो सर छठवीं होगी ना, 80 से 85, रटने वाली बात, समझने वाली बात। अगला, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर छठवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, जबकि पांचवी था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे बल। छठवीं में गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, तो आत्मनिर्भर आप कैसे बनेंगे, तो रोजगार में वृद्धि करके बनेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना को। टी नहीं होगा, ठ होगा, ठीक है ना। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? अब देखो क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते रहते हैं। राइट आंसर है छठवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सर वो 85 से 90 चली होगी, बिल्कुल 85 से 90 ही चली है सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? सर इंदिरा गांधी 83-84 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी जी बने थे, और राजीव गांधी जी किसमें थे, सातवीं में, ठीक है ना, क्योंकि 83-84 में तो इंदिरा गांधी जी थी। फिर अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? कई बार यह क्वेश्चन पूछा, जैसे हम लोग गरीबी हटाओ वाला रटे रहते हैं कि पांचवी में, भोजन, काम और उत्पादन, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी जी के समय दिया गया था, और उस समय राजीव गांधी जी को मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना गया। तीसरा, योजना अवकाश, पहला सर 66 से 69, दूसरा सर 78 से 80, और तीसरा जो हुआ था सर 90 से 92। राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी, बड़ी अनसर्टेन सरकार उस समय बन रही थी, फिर 92 जब पीबी सिंह राव आए तो फिर से प्लान अपने मैटर पे आया। तो अगर तुम इस प्रकार से देखोगे तो 3 बार गैप हो गया सर, एक बार 1966 से 69, एक बार सर 78 से 80, और एक बार सर 90 से 92, ठीक है ना, एक बार 90 से 92। अब देखो ये हो गया कि 3 योजना अवकाश आपको सामने दिखने लगे लल्ला,
तो ये आपको याद रखना होगा, तब जाकर के कहीं इसमें नंबर मिलता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपके 92 से 97, क्योंकि 90 से 92 गैप था। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 की? सर आठवीं ही हो जाएगी ना, ठीक है ना, आपके आठवीं हो जाएगी ना, 92 से लेकर 93 से 98 चली थी। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना, सर जाहिर सी बात है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 97 से 2002, क्योंकि आठवीं थी, 90 से 92 का गैप, फिर 92 से 97, 97 से 2002। अगला क्वेश्चन, दसवीं पंचवर्षीय योजना, सर 2002 से आगे बढ़ा दीजिए, 2002 से आगे बढ़ाएंगे तो 2002 से 2007 हो जाएगा। देखो मैं साथ ही साथ एक लिंक देकर के आपको रटवाने की भी कोशिश कर रहा हूं क्या। 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो सर 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, ठीक है ना, 7 से 12। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 2012 से 17, अब हम लोग 23 में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र समावेशी और सतत विकास, ठीक है ना। तो ये आपके 40 क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 6 तारीख को कल सुबह अमित बड़ाना सर और एक और बहुत बड़ी हस्ती और इन लोगों के अलावा स्वयं हम भी आपसे मिलने आ रहे हैं सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में हौज खास मेट्रो के पास सुबह में 11 बजे। आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप मुखर्जी नगर दिल्ली के आसपास जहां भी रहते हैं, प्लीज और प्लीज कल सुबह में 11 बजे अमित बड़ाना सर और एक और बड़ी हस्ती और साथ साथ आप और हमारी मस्ती जरूर जुड़िएगा कल। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग कल 11 बजे सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम हौज खास मेट्रो से नजदीक, और आप बस एक बार हौज खास मेट्रो स्टेशन और उसके नजदीकी मेट्रो, वहां से 5-10 रुपए लगते हैं लल्ला, सभी को फ्री पास है, कोई गेट पास नहीं, कोई कुछ नहीं, आप आ रहे हो ना, मैं हूं। अच्छा, इस लेक्चर के नीचे, करेंट अफेयर के लेक्चर के नीचे लिंक लगा हुआ होगा गूगल फॉर्म का, वो भर देना, और अगर आप आ रहे हैं तो आपको एंट्री है, फ्री एंट्री है, ये मेरी जिम्मेदारी, आप हमसे मिलने आ रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।